फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एट होम विद निधि मेहता। हम बनाएंगे घर पर ही बिना किसी मेहनत के सिर्फ एक मिनट में मलाई से बटर। इस मक्खन से बनाएंगे हम घी। निकालने के बाद जो लस्सी बच जाती है उसे बनाएंगे हम ये एकदम सॉफ्ट पनीर। घी के लेफ्ट ओवर खोया और पनीर से बनाएंगे ये टेस्टी खोए मटर पनीर की सब्जी। तो चलिए ये अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे कि दूध के ऊपर थिक मलाई कैसे लाएं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि दूध को जब हम बॉईल कर लेते हैं तो उसको इस तरह की जाली से हमें ढक के रखना है, और जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए दूध तो उसको फ्रिज में 7 से 8 घंटे के लिए रखना है कम से कम, जिससे इसके ऊपर थिक मलाई आएगी और इसी जाली से हम इसको ढक के रखेंगे। ये देखिए, ये 1.5 लीटर दूध है। हमें लेना है फुल फैट मिल्क। मैं ये बफेलो मिल्क यूज करती हूँ, और आप कोई भी फुल फैट मिल्क लें तो उसके ऊपर इसी तरह से थिक मलाई आएगी अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इस पे कितनी थिक मलाई है। ये देखिए कितनी थिक मलाई निकली है इस दूध से, और ये सिर्फ 1.5 लीटर दूध से मलाई निकाली है मैंने। अभी ये आधी मलाई है और आधी अभी पतीले में ही है। मैं इस मलाई को स्टोर करती हूँ कम से कम 8 से 10 दिन के लिए। ये मैंने बॉक्स में पहले से मलाई को स्टोर करके रखा हुआ है, इसको भी इसी में डाल दूंगी मैं। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी हमें मलाई को स्टोर करना है उसको इस तरह से ढक के बॉक्स को रखना है, नहीं तो क्या होगा कि मलाई जो है वो ऊपर से हार्ड हो जाती है। और अगर विंटर्स हैं तो आप इसको फ्रिज में रखिए, और अगर समर्स हैं तो आप इसको फ्रीजर में रखिए डीप फ्रीजिंग में, जिससे कि क्या होगा कि ये मलाई कभी भी खट्टी नहीं। सबसे पहले बनाते हैं मलाई से बिल्कुल डेरी जैसा मक्खन, और वो भी सिर्फ एक मिनट में। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक मिनट के अंदर मक्खन निकाल सकते हैं। इसमें ये जो हमारा चॉपिंग वाला जार होता है इसमें हम ये आधी मलाई डालेंगे। इसमें पहले एक साथ पूरी नहीं डालेंगे क्योंकि ये बहुत सारी मलाई है, और अगर आपकी कम मलाई है तो आप एक बार में भी निकाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। मैं तकरीबन आधा गिलास पानी डाल रही हूँ, इसमें ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। और अगर विंटर्स हैं तो आप इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालिए, और अगर समर्स हैं तो आप इसमें चिल्ड वाटर डालिए, या आप ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे सर्दी नहीं होती है वहां पे भी आप फ्रिज का ठंडा पानी डालिए एकदम इसमें। अब हम इसको बंद कर देंगे, और ये जो इसका पुश करने वाला ऊपर पुशर होता है इसको निकाल देंगे, जिससे कि इसमें एकदम से एयर मिक्सिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और हमारा मक्खन जो है वो एक मिनट में निकल आएगा। चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं अभी मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ है और इसमें हमारा ये मक्खन सेपरेट होना शुरू हो गया है। ये देखिए बस सिर्फ 1 मिनट लगा है और आप देख रहे होंगे कि इसमें लस्सी अलग हो गई है और मक्खन जो है वो अलग निकल आया है। चलिए अब हम इसको मक्खन को इसमें से निकाल लेते हैं। निकालने से पहले मैंने ये लिया है एक बर्तन में पानी। सबसे इम्पोर्टेंट टिप है इसमें कि हमें मक्खन को इसमें से निकाल के इस तरह से हाथों से निचोड़ेंगे ताकि लस्सी इसमें से अच्छी तरह से अलग हो जाए, और इस मक्खन को हम इस पानी में डालेंगे। ये भी हमें जो है वो ठंडा पानी ही लेना है। ये जो छाछ बची है इसको हम फेंकेंगे नहीं, मैं आगे आपको बताऊंगी कि इस छाछ को हम कैसे यूज करेंगे। तब तक मैं बाकी बची हुई मलाई से भी मक्खन निकाल लेती हूँ। इस छाछ को निकाल लेंगे, और जब हम दोबारा मलाई डालेंगे तो हम उसमें दोबारा से फ्रेश पानी डालेंगे। मलाई से मक्खन निकाल लिया है, अब इसको हम इस तरह से वॉश करेंगे मक्खन को। कम से कम 3 से 4 पानी हमें इसको वॉश करना है, जिससे कि जो मिल्क पार्टिकल्स इसमें होते हैं मक्खन में साथ में चिपके हुए वो निकल जाएंगे। जब हम इस तरह से इसको वॉश करके यूज करते हैं तो अगर आप इसको स्टोर करके खाने के लिए भी रखेंगे तब भी जो है ये कई दिन तक जो है खराब नहीं होता है। अदरवाइज क्या होता है, जब हम इसको वॉश नहीं करते तो इसमें जो मिल्क पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से मक्खन में खटास आ जाती है। तो अगर आप इसको 10 दिन भी रखेंगे तब भी ये खराब नहीं होगा। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने वॉश कर लिया एक पानी, ये मैंने दूसरे बर्तन में पानी लिया हुआ है। अब हम इसमें से इसको निकाल के
और इस तरह से निचोड़ देंगे फिर से ताकि एक्स्ट्रा वाटर इसमें से निकल जाए और हम इसको ये दूसरे बर्तन में डाल देंगे। ऐसे हमें 3 से 4 बार करना है जब तक कि पानी जो है वो साफ नहीं हो जाता। मैंने इसको वॉश कर लिया, देखिए पानी एकदम साफ हो गया है। अब हम इसमें से इस मक्खन को थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, हाथों में इस तरह से दबा दबा के इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल निकल जाए। आप इस मक्खन का टेक्सचर देख रहे हैं ना, हमने इसमें दही डाल के इसको थोड़ी देर रखा है और डायरेक्ट फ्रिज में से मलाई को निकाल के इस मक्खन को बनाया है। देखिए कितना बढ़िया मक्खन निकला है और सिर्फ 10 दिन की मलाई से हमने ये मक्खन निकाला है। इसी तरह से मैं सारा मक्खन को पानी में से निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रखें और परांठे के साथ इंजॉय करें, गर्मा गर्म परांठे के साथ। लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ इससे घी, और घी बनाने के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हमें मक्खन को वॉश करना है, नहीं तो जो क्या होता है कि जो इसमें मिल्क पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी कढ़ाई से चिपक जाते हैं और हमारी कढ़ाई जो है वो नीचे से जलनी शुरू हो जाती है और घी जो है वो अच्छा नहीं निकलता है और कढ़ाई को उसके बाद साफ करने में भी बहुत परेशानी होती है। चलिए अब बनाते हैं मक्खन से घर में ही दानेदार घी। लिए पहले ये कढ़ाई ले ली है, देखिए आज मैं आपको कोई नॉनस्टिक कढ़ाई में घी बनाना नहीं दिखा रही हूँ, जो घर नॉर्मल घर में कढ़ाई होती है एल्यूमिनियम की उसी में ही हम घी बनाएंगे और आप देखेंगे कि बिल्कुल हमारी कढ़ाई जो है वो घी बनने के बाद भी बिल्कुल साफ रहेगी। उसके लिए हम ये बटर जो है ये सारा इस कढ़ाई में डाल देते हैं। मैंने गैस पे रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। बस अब एक चीज का ध्यान रखना है कि गैस को कभी भी तेज आंच पे नहीं रखना है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन बाद में जो कढ़ाई जो गंदी हो जाती है उसको साफ करने का टाइम एकदम बच जाएगा, बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम इसको हिलाते रहेंगे, अभी हम इस तरह से इसको छोड़ देते हैं जब तक ये बटर जो है वो मेल्ट नहीं हो जाता। देखिए बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, हर 3 से 4 मिनट के बाद हमें इसको इस तरह से चलाना। ये बटर हमारा सारा मेल्ट हो गया है और इसमें अब बॉयल्स आ रहे हैं, जब बॉयल्स आएंगे तो ये साइड में भी जो है वो चिपक जाएगा, तो हमें क्या करना है कि इसको स्क्रैच करके और इसके बीच में ही डालते रहना। ये घी बिल्कुल सेपरेट हो गया है इससे, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि अभी इसमें कुकिंग प्रोसेस चलता रहेगा। अगर हम इसको ऑन रखेंगे तो जो हमारा जो इसका खोया निकला है वो बहुत ज्यादा लाल हो। अब 2 मिनट के बाद ये मैंने एक कंटेनर ले लिया है और उसके ऊपर मैंने ये स्ट्रेनर रख लिया है। अब हम इस घी को इसमें से छान लेंगे जिससे कि ये खोया ऊपर रह जाएगा और घी जो है वो नीचे कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। देखा आपने 10 दिन की मलाई से मैंने कितना सारा घी बनाया है और इसमें से खोया भी कितना कम निकला है और ना हमारी कढ़ाई ज्यादा गंदी हुई है और खोया भी एकदम जो है वो सफेद निकला है। ये मैंने स्टोर करने के लिए एक जार में डाल लिया है, ये तकरीबन 800 ml घी है। अब मक्खन की बची हुई लस्सी से बनाते हैं एकदम सॉफ्ट पनीर। ये जो छाछ बची है इसको चाहे तो आप ऐसे भी पी सकते हैं पर मैं आज इससे बना रही हूँ पनीर, तो उसके लिए मैं ये छाछ में सिर्फ 1 गिलास दूध डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि पनीर जो है वो हमारा सॉफ्ट बनेगा, अगर हम सिर्फ छाछ से पनीर बनाते हैं वो थोड़ा हार्ड बनता है। अब ये छाछ और दूध का जो मिक्सचर है उसको मैंने गैस पे रख दिया है, गैस ऑन कर दी है। अब हम इसमें एक बॉइल आने, इसको बॉइल आ गया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको इस तरह से हिला लेंगे ताकि इस पे मलाई ना जमाओ को हमें 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा करते हैं। वो ठंडा हो रहा अब तक हम पनीर बनाने के लिए सॉल्यूशन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैं विनेगर ले रही हूँ, आप चाहे तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। मैं ये 2 टेबलस्पून विनेगर ले रही हूँ और इतना ही हम इसमें डालेंगे पानी। ये 2 से 3 मिनट मैंने इसको ठंडा कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके ये विनेगर और पानी का सॉल्यूशन डालेंगे और इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना ही हमें ये सॉल्यूशन डालना है। ये देखिए ये पनीर सेपरेट हो गया है और पानी अलग हो गया है, इसमें मैंने 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच पानी और लिया था। अब ये मैंने एक बाउल ले लिया है और उस पर मैंने ये स्ट्रेनर रख लिया है, उस पर रखेंगे हम इस तरह से कॉटन का कपड़ा और इसमें छान लेंगे इसको। अब इसमें विनेगर की खटास होगी तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इस तरह से इसको वॉश कर लेंगे पनीर को कि जिससे विनेगर की खटास जो है वो इसमें से निकल जाए। और एक बार इस तरह से इसको निचोड़ लेते हैं।
अब अगर आपको इसके पनीर के पीसीस चाहिए तो आप इसको किसी भी चीज से प्रेशर दे के आधे घंटे के लिए इस तरह से दबा के रख दीजिए। अगर आपको इसका परांठा बनाना है या इसकी भुर्जी बनानी है तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मैं बनाऊंगी आज इसकी भुर्जी, इसलिए मैं इसको प्रेशर दे के नहीं रख रही हूँ। ये जो पानी बचा है इसको भी हमें नहीं फेंकना है। इससे हम या तो आटा गूंद सकते हैं या हम अपने दाल या सब्जी किसी भी चीज में इसको डाल सकते हैं, क्योंकि ये पानी जो होता है पनीर का पानी, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। बची हुई लस्सी का पनीर और घी में से निकले हुए खोए से बनाएंगे। खोए मटर पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्जी। खोए पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन कर दी है, और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। जो भी वेजिटेबल ऑयल आप खाते हैं वो डाल सकते हैं इसमें। ऑयल को हम हल्का गरम कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। गैस को मैंने धीमी आंच पे रखा है, जीरे को हल्का सा भून लेते हैं। ये जीरा हल्का सा भुन गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हींग, और साथ में मैंने ये बारीक चॉप किए हुए प्याज लिए हैं। ये तकरीबन 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, इनको डाल देंगे। वो तो हल्का लाल होने तक हमें भूनना है। ये मैंने लिए हैं थोड़े से मटर, फ्रेश मटर है ये भी इसमें मैं डाल रही हूँ ताकि ये भी प्याज के साथ भुन जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। ये मैंने लिया है थोड़ा सा ग्रेटेड लहसुन, थोड़ी सी अदरक ली है, और ये मैंने लिया है हरी मिर्च, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये भी हम इसमें साथ ही में डाल देते हैं और इसको भी हम इसके साथ ही भून लेंगे। प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं और हल्के पिंक हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर। ये मैंने बारीक काट के टमाटर लिया है, एक बड़े साइज का। टमाटर के साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक ताकि टमाटर जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और ये जो हमारा घी में से खोया निकला था इसको भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसमें डाल देंगे बहुत थोड़ा सा पानी। ये आधी कटोरी के करीब मैंने पानी डाला है इसमें, और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के रख देंगे जब तक कि हमारे टमाटर और मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये टमाटर और मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और खोए ने भी घी को रिलीज कर दिया है। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आ रहा है। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी, और अब इन सभी मसालों को आपस में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये पनीर, और पनीर को भी इन्हीं मसालों के साथ हम मिक्स कर लेंगे। सब्जी को अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध और 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसको अच्छी तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे और बस 2 से 3 मिनट हम सब्जी को पका लेंगे। देखा आपने कितनी टेम्पटिंग सब्जी लग रही है ये। इसमें डाल देते हैं हरा धनिया और अब हम इसको मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे। ये देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है ये खाने में उतनी ही टेस्टी होती है सब्जी। देखा आपने एक मलाई से हमने कितनी सारी चीजें बनाई हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और टिप्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।